नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आपने जापान और कोरिया के लोगों को तो देखा ही होगा, उनकी स्किन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्लोइंग और खूबसूरत मानी जाती है। दोस्तों, उनकी एक इस खूबसूरती का राज है उनके द्वारा यूज़ की जाने वाली ऐसी रेमेडीज़, जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, ये रेमेडीज़ स्किन वाइटनिंग और लाइटनिंग में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पर वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि मेरी हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनाएंगे राइस क्रीम, जो स्किन वाइटनिंग और लाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 2 से 3 चम्मच चावल। इस ध्यान रखें कि आप जो चावल यूज़ करते हैं वो बिल्कुल वाइट हो। उसके बाद इन चावलों को आप 3 से 4 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दें। दोस्तों, 3 से 4 घंटे के भिगोने के बाद आप एक पैन में पानी रखकर गैस पर उबलने के लिए रख दें। दोस्तों, इसको हमें आधा घंटे तक अच्छे से उबालना है। दोस्तों, अगर आपके चावल की क्वांटिटी कम है तो आप इसे 10 से 20 मिनट में भी अच्छे से उबाल सकते हैं। जब ये चावल अच्छे से उबल जाए तो आपको इन्हें स्ट्रेनर या छलनी की हेल्प से अच्छे से मैश कर लीजिए, ताकि आपको एक गाढ़े कंसिस्टेंसी का एक पेस्ट मिल जाएगा। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको ऐसा एक पेस्ट मिल जाएगा। अब आपका ये क्रीम का पेस्ट तैयार हो चुका है। इसके बाद हम इसमें 2 नींबू का रस अच्छे से मिक्स करेंगे। नींबू के रस में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन वाइटनिंग और लाइटनिंग के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल। विटामिन ई ऑयल जो होता है वो भी हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, स्किन को स्मूथ, सॉफ्ट एंड ग्लोइंग बनाता है। दोस्तों, राइस में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। ये एक एंटी एजेंट की तरह भी काम करता है, जो हमारी स्किन को स्मूथ, सॉफ्ट एंड ग्लोइंग बनाता है। ये हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव कर, ये हमारे स्किन टोन को इवन आउट करता है, और रिंकल से हमारी स्किन की प्रोटेक्शन करता है, सन डैमेज से हमारी स्किन को बचाता है, डार्क स्पॉट्स से दूर करता है, पफी आईज की पफिनेस को दूर करता है, और स्मूथ, सॉफ्ट एंड ग्लोइंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद जब हम इनको अच्छे से मिला लेंगे और एक गाढ़ा सा अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे, अब इसके बाद हम इसे एक खाली कंटेनर में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में 10 से 15 दिनों तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों, इसका बेस्ट रिज़ल्ट लेने के लिए हमें इसे रात को सोने से पहले अपने चेहरे पे अच्छे से मसाज करना है। दोस्तों, अगर आप इस रेमेडी को यूज़ करते हैं, विद इन 1 वीक आपकी जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, सॉफ्ट और ग्लोइंग बन जाएगी, और आप अपनी स्किन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगोगे। आई होप दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद अगर आपको जो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, उसको हमारे साथ कमेंट के जरिए ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।